ये हमारा चेंज ओवर है, इस लीवर को हम नीचे करेंगे तो हमारा बिजली पे चलेगा, ठीक है। ये हमारा बिजली ऑन हो गया, उसके बाद हम मशीन के पास आएंगे। ओके, इसको ऐसे करके ऑन करेंगे। ये मशीन का एमसीबी है, मशीन का एमसीबी है, वॉशर का जी। इसी प्रकार से ड्रायर का भी एक एमसीबी यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी ऑन किया आपने। ये पानी वाला कॉक है, पीछे जो सिंटेक्स टैंक है उसमें से पानी आ रहा है। ये कॉक ऑन करना है तो पानी आपका अंदर जाएगा, अभी फिलहाल में ये ऑफ पोजीशन पे है। इस कॉक को बाद में जब कपड़ा पूरा वॉशर में डालेंगे उसके बाद में ऑन करना है। हाँ ओके। ये हमारा वॉशिंग का बटन है, एक बार प्रेस करेंगे तो वॉशिंग चलेगा। हाँ, ये हमारा वाटर इनलेट का बटन है, ये दबाएंगे तो पानी इसके अंदर आएगा। ओके। ये हमारा हीटर का बटन है, ये दबाएंगे तो इसके अंदर एलिमेंट गर्म होगा, हीटिंग चालू हो जाएगा। ओके। उसका ये हमारा ड्रेन का बटन है, ये ड्रेन दबाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा। ओके। उसके बाद से ये हमारा स्पिन का बटन है, एक बार दबाएंगे प्रेस करेंगे तो मिडिल स्पिन चलेगा, दो बार प्रेस करेंगे तो हाई स्पिन चलेगा। ओके। मिडिल स्पिन में 400 आरपीएम है, हाई स्पिन में 700 आरपीएम है। ओके। और ऊपर वाले बटन? ऊपर वाला बटन कुछ नहीं करना, ऊपर रनिंग करने के लिए होता है। और बाकी बटन जो सप्लाई 1 2 3 ये सब डोजिंग का, ये सब कुछ नहीं करना है। हाँ। ये हमारा मैनुअल जो मैंने बताया, ये सारा हमारा मैनुअल ऑप्शन है। ऑटो में चलाना है तो सिर्फ ये बटन दबाएंगे, हरा वाला बटन दबाएंगे, ऑटो में सारा अपना काम करके मशीन रुक जाएगी। उसके बाद स्टॉप करने का ये बटन है, मतलब बीच में कभी स्टॉप करने या कैसे? कभी स्टॉप करने, मशीन वाइब्रेट कर लीजिए कुछ भी करते स्टॉप कर सकते हैं, या तो इमरजेंसी मार सकते हैं। इमरजेंसी मारेंगे कि इसमें इमरजेंसी एरर दिखाएगा। ओके। अगर कुछ भी डिस्प्ले में एरर आता है तो स्टॉप से ख़त्म होगा। ओके। कुछ भी एरर आता है इसमें तो स्टॉप बटन से ख़त्म होगा। ओके। जैसा हमने इमरजेंसी मारा तो अभी हमारा इमरजेंसी स्टॉप दिखा दिया। ओके। इसके बाद हम इसको ऐसे घुमा के खोलेंगे, ये हमारा बटन खुल गया एक बार। हाँ। ओके। उसके बाद अभी हमारा एरर शो कर रहा है। हाँ। तो एक बार ये बटन दबाएंगे, दो बार प्रेस करेंगे, इमरजेंसी हमारा खत्म हो गया। ओके। और जो पहले वाले बटन थे वो मैनुअल थे, वो मैनुअल अगर करना होगा, मैनुअल चलाना है उसके लिए वो सब है। और स्टार्ट वाला अगर दबाएंगे तो सारा इकट्ठा इकट्ठा ऑटो में चलेगा सब। ओके ओके। ये हमारा वाटर लेवल का है, सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर पानी इसमें लेना है। हमारा सेट 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर पानी आने के बाद से ऑटोमेटिक वाल्व बंद हो जाएगा। जब वाल्व बंद हो जाएगा तो उधर हम प्रेशर पंप बंद कर देंगे, कोक बंद कर देंगे। ओके। जिससे कि हमारा लीकेज ना हो। ये हमारा हीटिंग टेम्परेचर है, 70 डिग्री टेम्परेचर सेट है, रूम टेम्परेचर अभी 5 डिग्री दिखा रहा है। ये हमारा आरपीएम यहाँ शो करेगा, जो मशीन चलेगी ड्रम इसका आरपीएम यहाँ शो करेगा। ठीक है। डोर क्लोज वगैरह वो सब बता रहे हैं। हाँ, डोर क्लोज करेगा तो ये दिखाएगा, डोर ओपन। अभी हम डोर खोल लें तो ये दिखाएगा। प्रेस अनलॉक स्विच, डोर खोल देंगे तो मशीन हमारी नहीं चलेगी। टोटल वेट जो है हम इसमें डाल सकते हैं 50 केजी का। 50 केजी का मतलब जो कपड़ा का वजन है वो मान लीजिए 35 केजी, और इसको भिगाने के बाद में भीगे हुए कपड़े का जो वजन है वो टोटल 50 केजी का हो जाएगा। तो अभी हम इसमें लगभग 10 कोट डाल रहे हैं, जिनका वजन लगभग 35 केजी के आसपास आएगा, और भीगने के बाद में इसका वजन हो जाएगा 50 केजी। 35 किलो के हिसाब से, 35 किलो के हिसाब से आपको पड़ेगा 300 ml। 300 ml मतलब एक साइकिल में कम से कम 300 ग्राम के आसपास लगेगा। ऐसे पाउडर डायरेक्ट डाल सकते हैं, डायरेक्ट डालेंगे उसमें पानी आएगा, उसको करते हैं। आपने दरवाजा किस तरह से आप लॉक करेंगे? सबसे पहले ये हाथ को यहाँ ले जाएंगे, इस कुंडी में फंसाएंगे सर, फिर उल्टा, ठीक है ना। उसके बाद से एक लॉक है, इसको दबाएंगे, ये लॉक हो गया।
यकीन करेगी यहाँ पे जो डिस्प्ले स्क्रीन है इसमें डोर क्लोज दिखा रहा है जी। मैनुअल में एक मिनट, हाँ मैनुअल में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले बटन है वॉश, फिर पानी का, अगला बटन है पानी। ठीक है, अब इधर हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे इसको। ऑन कर दिया आपने वाटर वाल्व को, ठीक है। उसके बाद ये बटन ऑन कर देंगे, ये हमारा प्रेशर पंप चालू हो गया। प्रेशर पंप क्या कर रहा है, ये पानी खींच के मशीन में चढ़ा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉश कोल्ड वाटर स्टैंडर्ड वॉश इन प्रोग्रेस। इसी प्रकार से आपका जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ने लग गया, बढ़ने लगा पानी, 4, 5, 6 क्योंकि पीछे से पानी जो है प्रेशर पंप उसको खींच रहा है। हाँ ये हमारा केमिकल बॉक्स है, अगर अंदर हमारा केमिकल कम लगता है इसको खोलेंगे, एक बॉकेट को निकालेंगे, निकाल के इसमें सरफ लेके पानी लेके इसके अंदर इस हम डाल देंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा, इसको पानी में घोल के इसमें रखना है, डालना है पानी नहीं, कोई नहीं, हो गया ना वीडियो, हो गया। फिर इसको करके इसको हम बंद कर दिया। तो एक हाँ, जैसे कम कपड़ा है हमारा लेवल वहाँ शो कर रहा है, अगर 20 सेंटीमीटर आ गया तो हम यहाँ से ए वाल बंद कर दिए, पानी सेकंड बटन, सेकंड बटन बंद कर दिए। हाँ। उधर प्रेशर पंप बंद कर दिए, वाल बंद कर दिए। ओके, इतने में हमारा धुलाई होता रहेगा। हाँ। अब हमारा टाइमिंग यहाँ चल रहा है, अभी टोटल टाइमिंग हुआ 5 मिनट चलते मशीन को। हाँ। अगर इसको कम से कम 20 मिनट चलाना पड़ेगा। ओके। पहला साइकिल 20 मिनट चलेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे ड्रेन कर देंगे। Okay. ड्रेन कर दिए, फिर हम पानी इसमें लिए 20 सेंटीमीटर, फिर पानी लेके फिर एक बार हम ड्रेन कर दिए, फिर उसके बाद से फिर हम पानी इसमें लिए 20 सेंटीमीटर, उसके बाद से हाई स्पीड कर देंगे। नहीं, 20 सेंटीमीटर कैसे कम करोगे वो बताओ ना। 20 सेंटीमीटर यहाँ से कम करेंगे, ये तो हमारा शो कर रहा है। हाँ। जो अभी पानी के लेवल आ रहा है शो कर रहा है। हाँ। कितना सेंटीमीटर हमारा पानी आ गया। ओके। पानी जब हम इतना हमारा शो कर जाएगा उसके बाद से ये वाला सेकंड बटन बंद कर देंगे, उधर से वाल बंद कर देंगे, प्रेशर पंप बंद कर देंगे। सर 20 से 18 में ले आओ। नहीं नहीं, वो 30 तो, से पहले 20 ले आओ, 20 ले आओ, 20 है ना 18 में कर दो इसको, इधर वाला इसको 30 कर दे, 20 कर दे, 30 को 20 करो ना। हाँ, ये देखिए ये बटन को ये आ गया। हाँ, एक मिनट अभी खत्म नहीं दिए, ये एरो मार्कर से ये दबाएंगे, ये इस पर आ गया, ऑफ डाउन से इसको कम कर सकते हैं। ओके, अभी ओके कैसे करना उसको, बस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर उसको सेट करते हैं, 20 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, तो निकलेगा ना उसका, अच्छा अपने आप हो जाएगा, हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कि पानी का लेवल कम करने के लिए हमने सबसे ऊपर वाला बटन दबाया, ला के यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पे लाया, उसके बाद में नीचे वाला सेकेंड बटन दबा के उसको बार बार दबा के हमने 20 तक उसको ला के सेट कर दिया। सेट कर दिया, सेट करने के बाद से उधर हम वाल्व भी बंद कर देंगे, प्रेशर पंप। अभी हमारा वाशिंग चल रहा है, 20 सेंटीमीटर पानी है, ठीक है ना। उसके बाद से 15 मिनट जैसे ये चल जाएगा उसके बाद से हम ड्रेन का बटन दबाएंगे। कौन सा है ड्रेन का बटन? ड्रेन का बटन ये लिखा हुआ है, ये हमारा ड्रेन का बटन है। हाँ। जब पानी बिल्कुल निकल जाएगा, आगे दिखाई नहीं देगा पानी नहीं है, तो इसी बटन को फिर ऑफ करेंगे। अच्छा, मतलब जो लाइट चालू है बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ओके। जब लाइट बंद हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर इनलेट का बटन दबाएंगे। कौन सा बटन है वाटर? दो नंबर। ओके, वाटर इनलेट का बटन दबाएंगे। हाँ। फिर हम प्रेशर पंप ऑन करेंगे, कॉक को खोलेंगे, प्रेशर कॉक खोलेंगे और प्रेशर पंप को चलाएंगे। ओके, फिर इसके अंदर हम पानी लेंगे, फिर हम कम से कम 10 मिनट चलाएंगे, फिर पानी को हम निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको फिर वॉशिंग का बटन दबाएंगे और वाटर इनलेट का बटन दबाएंगे। जब ये 5 मिनट हो जाएगा उसके बाद से हम हाई स्पीड का बटन दबाएंगे, इसमें हमारा फाइनल साइकिल हो जाएगा। एक बार प्रेस करेंगे तो मिड एक्सलेट चलेगा, दो बार प्रेस करेंगे तो हाई एक्सलेट चलेगा। अभी हम 12 मिनट का साइकिल चला रहे हैं जी, एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए, ठीक है। तो 12 मिनट हमारा पूरा हो गया, तो अभी फर्स्ट साइकिल वॉश का हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम ड्रेन का बटन दबा रहे हैं जी।
अभी ड्रेन आप देख सकते हो कि वहाँ पे लाल लाइट जल रहा है पानी और पानी जो है वो पानी ड्रेन हो रहा है। हाँ, यहाँ से नहीं दिखाई देगा, यहाँ हमारा पानी कम होते जा रहा है, ड्रेन हो गया पानी। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा पानी निकल गया है और अभी पानी ड्रेन आउट हो गया है, वाटर लेवल जीरो हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रेन आउट के कारण जो वाटर लेवल यहाँ पहले 20 दिखा रहा था वो अभी जीरो हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि ड्रेन अब पूरा हो गया पानी यहाँ पे, और इसलिए हम अभी ड्रेन का बटन वापस दबा रहे हैं, ऑफ करेंगे, ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो गई है, फिर हम वाटर इनलेट लेंगे। वाटर इनलेट हमने चालू कर दिया है, और वाटर इनलेट चालू करने के बाद में हमने जो ये पीछे कॉक है उसको चालू कर दिया, उसके बाद में प्रेशर पंप को चालू कर दिया। प्रेशर पंप चालू हो गया, सिंटेक्स टैंक में से वो पानी खींचना शुरू हो गया और वापस पानी आपका आना शुरू हो गया। ये हम सेकंड साइकिल चला रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि सेकंड साइकिल चलाते समय वापस वाटर लेवल यहाँ बढ़ना शुरू हो गया, 5-6 इस तरह से, और हमने 20 के ऊपर सेट कर रखा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 20 का लेवल हमने सेट किया था उसी लेवल पे पानी आ गया है। तो हमें जो ड्रेन इनलेट वाला सेकंड बटन है ये वाल बंद हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि 20 सेंटीमीटर हम सेट कर रखे थे ना। हाँ, तो उसमें लाल बटन तो अभी भी चल रहा है, ब्लिंक कर रहा ना। हाँ, चल तो नहीं रहा ना। अच्छा, ओके, तो दोबारा दबाना है उसको या नहीं दबाना है? अभी हम तीसरा साइकिल लेना शुरू कर दिया, यहाँ पे ड्रेन बटन चालू करके हमने पीछे से प्रेशर पंप और वॉल दोनों चालू किया है जी। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा थर्ड साइकिल के लिए पूरा पानी ड्रेन हो गया है। अभी जो प्रेशर पंप इसमें पानी खींचना शुरू हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे अभी जो पीस पे हमने सेट किया है और अभी हाइट इसकी बढ़ने लगी पानी की, 4-5-6 यहाँ पे लाल बटन चालू है वाटर इनलेट का, जो सेकंड बटन आप देख रहे हो, और थर्ड साइकिल पे हमने चालू। हाँ, बताना अभी। अभी हमने दो वास चला दिए। ओके, अगर यहाँ पर जीरो रहेगा वाटर लेवल तो हमारा रिंस नहीं चलेगा, इसको 20 सेंटीमीटर वाटर लेवल होना चाहिए पानी, जितना लेवल सेट किया है उतना लेवल होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हमें रिंस चलाने के लिए अब हम इसको स्टॉप दबाएंगे। ओके, स्टॉप दबा दिए, उसके बाद से रिंस का बटन हम एक बार प्रेस करेंगे। अच्छा, एक ही बार करते हैं या दो बार करते हैं? एक बार करेंगे तो मिड एक्सट चलेगा, दो बार करेंगे तो हाई स्पीड चलेगा। तो अभी कपड़े को देखते हुए हमने एक ही बार दबाया हमने। अभी एक्सट्रैक्ट वाला स्पिन वाला दबा दिया हमने, एक्सट्रैक्ट वाला, तो इससे क्या, इसके कारण क्या होगा, ये करने से एक्सट्रैक्ट वाले से क्या होगा, इसमें ये क्या होगा, ये कपड़े से पानी को नहीं छोड़ेगा। ओके, अभी ये तेज घूमने लगा। जब हम एक्सट्रैक्ट चलाते हैं तो ऑटोमेटिक ड्रेन अपने आप खुलेगा, इसके साथ ही खुल जाएगा और पानी अपने आप चला जाएगा और जितना पानी की मात्रा कपड़े में है वो मैक्सिमम इसमें निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रेन खुल गया है तो पानी पूरा बाहर जाने लग गया अपने आप, एक्सट्रैक्ट मशीन चालू है इसकी। अभी आप देख सकते हो कि ये मिड आरपीएम में चला रहा है और इसका रोटेशन पर मिनट 300 आरपीएम पे पहुंच गया है, और ये आप स्पीड भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितना स्पीड से घूम रहा है और काफ़ी पानी इसमें से निकल गया है। ये आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्शन है 10 मिनट पे बंद हो गया अपने आप, इसमें ऑटोमेटिक सेटिंग है 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद में इसका जो रोटेशन है वो कम हो गया, यहाँ पे देखिए आरपीएम भी बिल्कुल अभी 90 से कम होते हुए जीरो पे आ जाएगा और इसका पूरा पानी निकल जाएगा। इसके बाद में आपका कार्रवाई है कि इसमें से निकाल के आप इसको वॉशर में, ये देख सकते हैं ये हैंडल है, ये पूरा मशीन बंद हो गया, लेकिन आपको खोलने के लिए न्यूमेटिक होने के कारण इसमें एक पिन को दबा के आपको ये हैंडल तभी खोल सकते हैं। ये हैंडल है और यहाँ पे देखिए ये आपको पिन दिख रहा है, अभी इन्होंने जो है यहाँ पे एक पिन लिया अपने हाथ में और इसको किस तरह से दबा के निकालेंगे ये देखिए, ये पिन को इन्होंने दबा दिया तब जाके ये हैंडल खुल गया।
हाँ ये हमारा ड्रायर मशीन है, हाँ ये हमारा डिस्प्ले है, ये हमारा स्टार्ट का बटन है, ये हमारा स्टॉप का बटन है, ओके ये हमारा टेम्परेचर शो करेगा, ये हमारा टाइमिंग शो करेगा, नीचे वाला है वो टेम्परेचर शो करेगा, ओके ऊपर वाला टाइमिंग शो करेगा कितना देर चला, ओके उसके बाद से गेट खोल के हमने गेट खोला, गेट खोल के हमने इसके अंदर कपड़े डाल दिया, ओके कपड़े डाल के गेट को बंद किया, फिर हम स्टार्ट दबा दिए, मशीन चलना हमारा शुरू हो गया। इसमें दो चीज़ें हमने सेट करनी है, एक टाइमिंग एक हमारा टेम्परेचर। सेटिंग करने के लिए इसको कंप्यूटर का बटन दबाएंगे, कितनी बार ये दबाए रखेंगे, दबाए रखेंगे जब तक प्रोग्राम नहीं खुलता, अच्छा उसके बाद से ये हमारा हॉर्स जो घंटा होता है वो बिलिंग कर रहा है, ओके इसका मतलब शुरू हो गया, हाँ इसे ऑफ डाउन से जैसे एक किए दो घंटा हो गया, हाँ इसे किए एक घंटा हो गया, हाँ फिर हम कंप्यूटर का बटन दबाएंगे, ये हमारा मिनट शो करेगा, हाँ मिनट जैसे बढ़ाना है एक घंटा एक मिनट एक घंटा दो मिनट इससे कम ज़्यादा होगा, अप डाउन से टाइमिंग कम ज़्यादा होगा हो जाएगा। उसके बाद से हम फिर क्या करेंगे, फिर कंप्यूटर का बटन दबाएंगे, ओके ये हमारा टेम्परेचर सेटिंग होगा, कितना टेम्परेचर मशीन के अंदर रखना है, ये अभी हमारा 70 डिग्री सेट है, इसको हम 60 डिग्री भी कर सकते हैं अप डाउन से, ये 60 डिग्री टेम्परेचर सेट हो गया। अब इसको हमें बाहर निकलना है, ये कंप्यूटर का बटन दबा के बाहर निकलना है, ये दबाए रखेंगे, ये आ गया हमारे प्रोग्राम नंबर 1 में, ये घंटा टाइमिंग सेट हुआ, 60 डिग्री टेम्परेचर सेट हुआ, 13 के दिखा रहे हैं, ये हमारा मशीन का रूम टेम्परेचर दिखा रहा है जो इसका टेम्परेचर है वो, लेकिन सेटिंग हमारा 60 डिग्री है, ओके और टाइमिंग कितना सेट किया था हमने, ये घंटा है, तो उसको कम करा के करा दो ना, कम भी करा देंगे, कंप्यूटर दबाए इसको हम 0 कर दिए, फिर ये दबाए इसको हम बढ़ाते जाएंगे, ये हमारा कितना 30 मिनट कर दिए, ठीक है फिर हम कंप्यूटर दबाएंगे, ये हमारा टेम्परेचर सेटिंग हो गया, इसको 65 कर दें, हाँ इसको हम 65 कर दिए, फिर कंप्यूटर दबा के हम बाहर आ जाएंगे, दबा के रखना बराबर, हम बाहर आ गए, प्रोग्राम नंबर 1 में 30 मिनट टाइमिंग हो गया, 65 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अब इसमें कपड़े डाल के स्टार्ट का बटन दबा देंगे, ये अपना टाइमिंग और टेम्परेचर अचीव करता रहेगा। अभी हम ड्रायर में डाल रहे हैं पूरा कपड़ा, लॉक करना, ओके स्टार्ट बटन दबाओ, स्टार्ट, हाँ अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है जो टाइमिंग हमने आधा घंटा का सेट किया वो उल्टी गिनती कर रहा है, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है हमने 65 डिग्री पे फिक्स किया था वो धीरे धीरे बढ़ेगा, 12 हो गया और ये उल्टी गिनती करते हुए एक आधे घंटे के सेटिंग के हिसाब से चलेगा। हाँ ये हमारा लीड जाली है, इसमें क्या होता है कि जो भी कपड़े का डस्ट होता है इसमें जम जाता है, इसको सफाई करना पड़ता है डेली बाई डेली, कॉटन कपड़े का ज़्यादा आता होगा, कॉटन का आता है। ये इस ड्रायर मशीन का थर्मोस्टेट है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर है, सबसे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, और 0 के बाद में जो है 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से होते हुए 110 तक है।
हाँ बता ना, इसको ऑन करते हैं तो ये लोड नहीं ले पा रहा है। नहीं नहीं, इसका काम बताओ। इसका काम होता है मतलब जो हीटर बक्सा है उसको सेफ्टी के लिए लगा हुआ है परमेश। नहीं, हमने इस्तेमाल इसको करना है, नहीं करना है इसको, इसके करना है। अभी ये आवाज बदल रही है, तो अभी आपने किस पे सेट किया इसको? 30 पे किया। हाँ, सबसे ऊपर वाला लाइट जल रहा है हमारा हीटर का, राइट साइड में वो हीटर का है। हाँ, लेकिन वोल्टेज ना लेने के कारण अभी हीटर नहीं चल रहा। हाँ, तो हमने ये वाला स्टॉप वाला है जो लेफ्ट में लाल बटन है उसको दबाया, तो हीटर बंद हो गया और सेकंड लाइट चलने लग गया। ये है कूलिंग का, और उसके नीचे वाला क्या क्या है? उसके नीचे वाला है जब गेट खुलेगा तो शो करेगा। ओके, गेट खुलेगा तो लाइट मिलेगा। हाँ, उसके नीचे वाला वो जो कुछ एरर इसमें आएगा तो उसका जलेगा, नहीं एक साइड जलेगा तब ये जलेगा। हाँ, ताकि ये वाला कुछ एरर आ रहा डिस्प्ले में तब शो करेगा। हाँ, अभी ये चल रहा है, चलाते समय भी आप खोल के इसको कपड़े को चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप खोलेंगे तो अपने आप वो घूमना बंद हो जाएगा, मशीन बंद हो जाएगी। आप कपड़े को चेक कर सकते हैं कि क्या वो सूखा है, क्या उसका मतलब ये ड्राई पूरा हो चुका है, मशीन को बंद करने की ज़रूरत है। उसके बाद में जैसे ही आप डोर दोबारा बंद करेंगे तो मशीन अपने आप चालू हो जाएगी। हमारा कपड़ा भी सूख गया है, तो हम चाहेंगे कि अभी मशीन को बंद करें। तो मशीन को बंद करने के लिए स्टॉप बटन जो है वो दो बार दबाना है, एक बार दबा दिया, उसके बाद में दूसरी बार दबा दिया, तो जब एंड करने के बाद में दोबारा ये दिखाएगा ऐसे, इसका मतलब मशीन बंद होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन घूमना बंद हो गई। ये पूरी कार्रवाई हो गई, हमने मशीन कपड़े वगैरह सुखा के ट्रॉली में रख दिए हैं, तो पूरा सब कुछ हो जाने के बाद यकीन करेगी MCB ऑफ होनो। MCB आप देख सकते हैं दोनों मशीन के पीछे MCB है, ऑन है अभी, इसको ऑफ कर दिया। पूरा काम हो जाने के बाद ये भी यकीन करे कि प्रेशर पंप का स्विच और पानी का कॉक वॉल्व ये बंद है, जैसे कि अभी आप इस पोजीशन में देख सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में देखिए कि ये लीवर है, इस चेंज लीवर को बिल्कुल सेंटर में लाइए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट कट गई है, और यकीन करें कि ना DG वाले में ना मेन सोर्स में ये चेंज लीवर नहीं है और सेंटर में है।